नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समोसे की स्टफिंग बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको एक चपाती की तरह हमने सिर्फ सिंपली पतला बेलना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेंटर से कट करना है। सेंटर से कट कर दिया तो हमने एक पीस को उठाना है और उसको क्या करना है, कोन की शेप देनी है। तो कोन की शेप ऐसे आएगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से इसको पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसको होल्ड कर देंगे तो ये इसका सेंटर हो गया ऐसे। और इसको हाथ में पकड़ना है ऐसे। ये अभी खाली है बिल्कुल। इसमें अब हमने स्टफिंग करनी है। जितनी हमें चाहिए, मतलब एक्सेस नहीं डालनी है, थोड़ा सा कम डालते हैं। उसके बाद इसको दोबारा पानी से यहाँ पे गीला करना है ताकि ये पूरी तरह चिपक जाए। और उसके बाद इन दोनों को बराबर लेना है और फोल्ड कर देना है। ये देखिए समोसा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बस इसको ये ऐसे ही स्टैंड रहना चाहिए। अगर ये नीचे गिर जाए तो इसका मतलब इसका जो टेक्सचर है वो ठीक नहीं बना है। अब मैं सेकंड बताती हूँ। जो हाफ पीस है उसको लेना है और इसको हाफ में हमने क्या करना है, पानी लगाना है। इसकी ट्रायंगल शेप बनानी है। ये मैंने हाफ लिया है। इसके बाद क्या करना है, इसी हाफ को इसके ऊपर सेट कर देना है। ये देखिए पानी लगाया तो ये चिपक गया पूरी तरह। ये इसकी नोक बन गई और ये इसका खाली हिस्सा। खाली हिस्से को दोबारा क्या करना है, हमने स्टफिंग डालनी है और स्टफिंग से भर देना है। इसमें स्टफिंग हमने आलू मटर और पनीर की दी है। उसके बाद फिर हमने इसको पानी लगाना है। और पानी लगाने के बाद इसको बराबर जो है हमने इसको फोल्ड कर देना है और हल्का सा दबा देना है। दबाने के बाद इसको चपटा बना देना है। और चपटा करने के बाद ये हमारा समोसा तैयार है और ये हमने यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद इसे फ्राई किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।